जब से धरना स्टार्ट है तब से कमान संभाले हुए हैं, क्या लगता है जैसे कि कमेटी ने अपना फैसला दे दिया कि कल NH9 का जो गैराज है वो होगा, निश्चित काल होगा, प्रशासन की तरफ से भी ऑफर बार बार कहा जा रहा है कि DC साहब नहीं है, आज 15 अगस्त है, जो फ्लैग है वो डाउन करना है, तो क्या लगता है कि वेट करना चाहिए या किसान है रणनीति अपनी बना चुके हैं? नहीं, किसानों का जो फैसला हो चुका है ना वो सर्वोपरि है, और जैसे 110 दिनों से अगुवाई की है, कल सबसे पहले हम ही आपको सबसे आगे मिलेंगे अपने भाइयों के, अपने भाइयों पे आज नहीं आने देंगे, उससे पहले अगर जो कोई लाठी गोली पड़ेगी तो हमको ही पड़ेगी और किसी भाई को आज नहीं आने देंगे। और जो किसानों ने फैसला किया सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, हम उस फैसले को सिर माथे मानते हैं। हमें ये प्रशासन, ये सरकार बगैर लठों के मानने वाली नहीं है। अगर जो मानती तो दिल्ली के आंदोलन के बाद में देख लो, कोई भी आंदोलन आज तक जब तक सरकार को अगर जो कोई परेशानी नहीं दी गई है तो उसके बगैर वो नहीं माननी है। यहाँ 2 दिनों से मीटिंगें चल रही है, यहाँ का प्रशासन ने आज बातचीत तोड़ दी है। प्रशासन आप गए, खुद चल के यहाँ से गए, हमने तो कोई बातचीत नहीं तोड़ी, हम तो बातचीत में राजी थे, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता ये बातचीत करना। लंबी वार्तालाप चली है, आखिर पेज कहाँ अट गया, कहाँ पर पेज फंस गया कि ये वार्तालाप है वो फेल हो गई? जो 270 गांवों पे जो क्यूरी लगी है, कंपनी का मनसूबा इन 270 गांवों को बीमा नहीं देना जी। हम 270 गांव का एक एक खाते का बीमा पैसा डलवा कर ही रहेंगे। प्रशासन को ये बात कह रहे थे, आप 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, टाइम ले लो पक्के के अंदर, और DC आकर ऐलान करे मैं 10 दिनों के अंदर सबका बीमा दिला दूंगा। लेकिन जो कल होगा ना वो 10 दिन का इंतज़ार नहीं, अब बीमा पहले खातों में डलवा कर बगैर टाइम के एक एक किसान के, तभी रोड खुलेगा। अमन, क्या लगता है, जैसे देखो प्रशासन की तरफ से भी एक जो बात है वो अहम है कि जब गिरदावरी हुई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्लेम ज़्यादा है, इतनी ज़मीन नहीं है, तो सर्च में टाइम लगेगा, गड़बड़ी तो देखो हुई है, क्या लगता नहीं किसके साथ जो सहमति है वो चार्ज जितानी चाहिए? जो 270 गाँव पर क्यूरी है उनमें से मैं अपने चोपटा ब्लॉक की बात करूँ तो कुछ गाँव के अंदर तो जलाने वाली लकड़ी भी नहीं रही थी, तो गिरदावरी की क्या जरूरत पड़गी? ये किसान के, अगर जो खेत में किसान अपनी पराली जलाता है तो आधे घंटे के अंदर ड्रोन से गिरदावरी हो जाती है, तो हमारी फसलों की क्या 6 महीने के अंदर गिरदावरी नहीं हुई? तो क्या खट्टर साहब यहाँ कर दौरा नहीं किया था हेलीकॉप्टर के द्वारा, गगर का दौरा कर गए वो हेलीकॉप्टर से, तो हमारी फसलों का क्या दौरा नहीं किया उसने, और उसने किसान के हालात नहीं देखी? हम क्या भीख मांगने वाले लोग हैं? हम अपने 5 नुओं की कमाई खाने वाले लोग हैं? ये काम तो उन लोगों का होता है जो सत्ता के अंदर भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, और सिरसा के अंदर भी कई लोग नेता बैठे हैं भ्रष्टाचारी, उनका काम होता है 2 नंबर का पैसा खाने का। किसान का काम नहीं होता 2 नंबर का पैसा खाने का, हमको हमारा हक ही चाहिए और उसी हक से हम संतुष्ट हैं।